हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। कुछ बर्तन है तो मैं यहाँ साफ़ कर लेती हूँ। मैं इतनी स्पीड से नहीं कर रही हूँ ये कैमरा स्पीड से चल रहा है, नहीं तो मुझे काफ़ी टाइम लगा था ये साफ़ करने में। और आज बने रहिए दोस्तों मेरे साथ, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास और थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मेरा एप्पल ना जालियों पर चढ़ रहा है, देखो। हेलो बोलो एप्पल। हेलो हेलो एप्पल, ड्रेस बताओ ना। आज तो मेरे एप्पल ने गोवा का ड्रेस पहना है। चलो फिर गोवा का ड्रेस बताओ एप्पल, खड़े हो जाओ जल्दी से, स्टैंड अप। हेलो बोलो हेलो आज तो मेरे एप्पल ने गोवा का ड्रेस पहना है। आज अपन कहाँ जाने वाले एप्पल? अपन वाले गोवा जाने वाले हैं। अपन गोवा जाएंगे। गोवा चलो अपन चले गोवा। हाँ चलते चलते गोवा चलते। थोड़ा छाप बोलो ना, नहीं समझ में आता है। गोवा की याद आ गई ना एप्पल को, तो अपन चले इंदौर टू गोवा। एप्पल ने तो पुरानी यादों को ताजा कर दिया। तो चलिए दोस्तों, इस लॉकडाउन में घूमकर आते हैं गोवा। ये पिछले नवंबर की बात है, हमारी एनिवर्सरी थी और हस्बैंड ने हमें बहुत बड़ा सरप्राइज गिफ्ट दिया था। ये हमारे लिए इसलिए बहुत बड़ा सरप्राइज गिफ्ट था क्योंकि हम गोवा फर्स्ट टाइम ही जा रहे थे और हम काफ़ी एक्साइटिंग थे वहाँ जाने के लिए और बहुत ही खुश थे बच्चे और हम। और अभी हम फ्लाइट में हैं, गोवा इंदौर से गोवा के लिए फ़्लाइट निकल चुकी है और 3 बज चुके हैं। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं गोवा के होटल में। एयरपोर्ट से होटल जाने में हमें थोड़ा टाइम लग गया था क्योंकि काफ़ी दूर था। और आप देख सकते हैं होटल का रूम भी काफ़ी अच्छा बड़ा है और इसका बेड भी अच्छा बड़ा है। बच्चे और हम आराम से इस पर सो गए। अभी एप्पल और अभी हम जाग रहे हैं। और दूसरे दिन हमने सबसे पहले एप्पल के लिए ड्रेस परचेज़ किया था, जिसमें एप्पल काफ़ी खूबसूरत और प्यारा लग रहा है। आप देख सकते हैं कितना खुश है एप्पल इस ड्रेस को पहनकर। और एप्पल और सिद्धांत अधिकतर एक ही ग्लास से जूस पीते थे, कीवी का जूस था ये, तो अधिकतर दोनों भाई एक ही ग्लास से जूस पीते थे। और अब हम पहुंच चुके हैं कंडोलियम बीच। आप देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितना प्यारा लग रहा है ना यहाँ पर। और सामने ही ताज होटल भी है और बहुत ही अच्छा लगता है लहरों के साथ यहाँ पर। और एप्पल ना पूरे टाइम बस रेत में ही खेलते रहता था क्योंकि उसे काफ़ी अच्छा लगता था वे खेलना। ये सबसे अच्छा पल होता है जब आप लहरों के बीच में बैठ जाओ, लहरें आपसे टकराती है। सच में बहुत सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन मैं ज़्यादा अंदर तक नहीं जा पाई क्योंकि एप्पल छोटा है और वो थोड़ा डर रहा था, तो इसलिए मैं कॉर्नर पे ही बैठी थी। सिद्धांत और उसके डैडी खूब इंजॉय कर रहे हैं, वो थोड़ा आगे तक भी गए और सबसे ज़्यादा इंजॉय किया सिद्धांत ने, वो पूरे टाइम पानी में से नहीं निकलता था।
सेकेंड डे में हम पहुंच चुके हैं अंजुना बीच। आप देख सकते हैं कि बोट पर बैठकर हम लहरों का खूब मजा ले रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, खूब इंजॉय किया हमने। और एक राउंड घुमाकर लेकर आती है और इस तरह से नज़ारा हमें देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा लगा। और उसी नाइट में हम पहुँच गए बागा बीच। बागा बीच नाइट में काफ़ी अच्छा लगता है, और जितना शांत और जितना लहरों के बीच हमें दिन में लगता है ना, उतना ही ख़तरनाक हो जाता है रात को। तो अभी तो हम बागा बीच में कुछ इस तरह से नज़ारा देखने को मिलता है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हम समुद्र से थोड़ा दूर है, वो पता नहीं सिद्धांत क्या कर रहा है, पता नहीं क्या बना रहा है वो। और अब हम निकलने वाले हैं होटल के लिए, क्योंकि 12 बजे के बाद हमें डिनर नहीं मिलेगा। तो अब हम पहुँच चुके हैं डिनर के लिए, होटल पहुँच चुके हैं। डिनर के बाद एप्पल में और सिद्धांत हम तीनों ही घूम रहे हैं। एप्पल को काफ़ी अच्छा लग रहा है और वो बार बार भागे जा रहा है और हम उसके पीछे पीछे दौड़ लगा रहे हैं। दरअसल हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर लाइट वगैरह अच्छे से जल रही है, तो हम भी होटल के रूम में नहीं गए। आज है थर्ड डे और थर्ड डे में हम होटल में ही रुके हुए थे। यहाँ भी काफ़ी अच्छा स्विमिंग पूल है, तो हमने पूरा दिन स्विमिंग पूल के ही मज़े लिए, काफ़ी अच्छा लगा हमें। और सिद्धांत तो अभी भी स्विमिंग पूल के मज़े ले ही रहा है। वो बाहर ही नहीं निकलता है, उसे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और शाम होने होते ही हम चले जाएंगे मार्केट, क्योंकि मार्केट यहीं से पास में है, तो यहीं से मार्केट भी चले जाएँगे हम अपने और घर वालों के लिए कुछ ख़रीदारी कर लेंगे। आज है हमारा फोर्थ डे और फोर्थ डे में हम पहुंच चुके चपोरा फोर्ट में। ये काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ पर। आमिर खान की फिल्म है दिल चाहता है कि शूटिंग यहीं पर हुई थी। मेरे पास और भी पिक थे लेकिन पता नहीं मुझे नहीं मिले। और अब नाइट में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारी एनिवर्सरी। कुछ फ्रेंड्स भी हमारे साथ है और कुछ इस तरह से हम हमारी एनिवर्सरी मना रहे हैं केक काट कर। काफ़ी अच्छा लगा, खूब इंजॉय किया हमने, बहुत ही अच्छा लगा। अब हम निकल चुके हैं गोवा से इंदौर के लिए। हमें खूब अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा सरप्राइज था ये हमारे लिए, बच्चे और हम काफी खुश थे, बहुत इंजॉय किया हमने, हम ये कभी नहीं भूल सकते। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।